नमस्कार दोस्तों, ये जो आप किचन गैलरी देख रहे हैं ये गोदरेज मॉड्यूलर किचन की गैलरी है जिसमें सारे फिनिशर्स के किचन लगे हुए हैं। गोदरेज जो है बेसिकली दो सेगमेंट में किचन बनाता है। पहला जो सेगमेंट होता है वो पेपर स्टील किचन है, जो कि ये है। ये जो आप फिनिश देख रहे हैं प्रॉपर स्टील किचन है। किचन बेसिकली तीन चीज़ से मिलकर बनता है। ये इंटरनल बॉडी जिसको हम कारकस बोलते हैं, ये भी स्टील है। जो शटर होता है ये भी स्टील है। और तीसरा जो चैनल हो गया है, हिंजेस हो गए, हैंडल्स हो गए, वो सारे ये भी प्रॉपर स्टील है। तो ये अपना प्रॉपर स्टील किचन है। ये जो मटेरियल होता है वो माइल्ड स्टील होता है। माइल्ड स्टील के ऊपर गैल्वनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है जिंक फास्फोरस में डिप करके, तो ये रस्टिंग प्रूफ बनता है। और इसके ऊपर जो है पाउडर कोटिंग होता है कलरिंग के लिए। इसकी कलर कभी जाती नहीं है। वारंटी की अगर हम बात करें तो कारगस की जो वारंटी आती है वो 5 साल की वारंटी आती है। और जो हार्डवेयर हो गया जिसमें हिंजेस हो गए, चैनल्स हो गया, वो 15 साल की परफॉर्मेंस वारंटी आती है। वहीं हम दूसरे सेगमेंट की बात करें तो ये जो बाकी आप सारे किचन देख रहे हैं, एक बार मोड़ करके सारे किचन का हम दिखाइए। ये सारे जो भी आप किचन देख रहे थे ये सारे वुडन सेगमेंट के किचन हैं। तो इसमें जो बोर्ड यूज होता है, जो प्लाईवुड हम यूज करते हैं, ये मेरीन प्लाई होता है, मेरीनो कंपनी की, जो कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड होती है जिसकी 15 साल की वारंटी होती है। अगर ये 1 mm की भी स्वेलिंग होती है इस बोर्ड में तो ये शटर चेंज होती है, इसकी वारंटी होती है। अब इसमें क्या है, जो सामने के शटर फिनिशेज है वो हमारे पास 4 फिनिश के शटर आते हैं। पहला जो शटर, ये जो आप देख रहे हैं ये लैमिनेट फिनिश है। इसमें जो है आपको मैट फिनिश, ग्लॉसी, ये अलग अलग कलर ऑप्शन, स्ट्रक्चर, प्लेन कलर, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरे इसके बाद का जो सेगमेंट है वो आपको जो है आप ये एक्रेलिक फिनिश होता है। ये जो आप फिनिश देख रहे हैं ये एक्रेलिक फिनिश है। सेम प्लाई के ऊपर जो है ये फिनिश लगता है। एक्रेलिक पीवीसी शीट होती है और ये स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो है यूवी कोटेड एक्रेलिक शीट लगाई जाती है। तो ये नॉर्मल जो है आपको यूज करने से कोई स्क्रैच नहीं आएगा जब तक सात ऑब्जेक्ट से ना लगे। तो ये आपको, ये जो कैबिनेट आप देख रहे हैं ये पूरा माइक्रोवेव कैबिनेट है जिसमें ये माइक्रोवेव, यहाँ शटर हटने के बाद ओवन लग जाता है। ये आपको कुछ और अप्लायंसेज के लिए जैसे जूसर हो गया, मिक्सर हो गया, जिसको आप स्लैब पर यूज करते हैं उसको आप यहाँ पुट कर सकते हैं। और नीचे जो है आप अपनी इंजन के हिसाब से 3 ड्रॉर, 2 ड्रॉर, प्लेन सेल, बाकी मैं इस चीज़ को भी क्लियर करूँगा कि 3 ड्रॉर कैसा होता है, 2 ड्रॉर कैसा होता है, ग्लॉसी यूनिट कैसा होता है। पहले हम फिनिश पे बात कर लेते हैं। तो ये अपना जो है एक्रेलिक फिनिश हो गया। इसके बाद का जो फिनिश आता है वो आपको मैं दिखाता हूँ, वो फिनिश ये है, जो कि ये फिनिश प्यू पेंट फिनिश होता है। सेम मेरिनो का SDF बोर्ड होता है, उसके ऊपर प्यू पेंट हुआ हुआ है। 7 बार जो है प्यू पेंट की लेयरिंग लगती है। तो ये प्यू पेंट है, नेचुरल कलर की लुकिंग आती है। इसके बाद का जो फिनिश आता है, जो गोदरेज की सबसे प्रीमियम किचन है, वो आपको लेकर ग्लास फिनिश किचन है, जो कि ये है। ये सीम जो है SDF बोर्ड होता है, SDF बोर्ड के ऊपर जो है प्यू पेंट का प्रोसेस किया जाता है और उसके ऊपर जो है 6 mm का लेकर ग्लास टेस्ट रहता है। तो ये सबसे प्रीमियम गोदरेज का किचन है। अब हम कैबिनेट्स की बात करते हैं कि गोदरेज कैसे कैसे कैबिनेट्स बनाते हैं। तो जो किचन में जो यूजफुल रिक्वायर्ड कैबिनेट्स होते हैं वो 2-3 कैबिनेट्स होते हैं, वो सारे किचन में यूज होते हैं नॉर्मली। जैसे हॉब जहाँ रहता है, हॉब जैसे ये हो गया, तो हॉब के नीचे आपको 3 ड्रॉर कैबिनेट्स आते हैं जिसमें ऊपर कटलरी ट्रे आता है जिसमें आप सारे कटलरी या सारी चीज़ें रखेंगे। इसके नीचे जो है आपके छोटे बाउल ग्लासेज, इसको आप रख सकते हैं। और इसके नीचे जो है प्लेट्स हो गया या बड़े बर्तन, कुकर, पतीले, इस टाइप की चीज़ें रखते हैं। तो पहला ये रिक्वायर्ड कैबिनेट होता है। इसके बाद का जो कैबिनेट होता है वो आटा चावल ग्रॉसरी के लिए कैबिनेट होता है, जो कि ये है। इसमें आप बड़े डब्बे ग्रॉसरी जैसे, और ऊपर जो है आप आलू, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें कुछ आप इसमें रख सकते हैं, या ग्लासेज हो गए, अपने यूजेज के हिसाब से इसको भी यूज किया जा सकता है। तो ये दूसरा ग्रॉसरी कैबिनेट हो गया। तीसरा आपको जो है बड़े बर्तनों के लिए, जो कुकर पतीले के लिए है, वो 2 ड्रॉर कैबिनेट होता है। ये हार्ड ड्रॉर, इसी को टेंडम बोला जाता है मार्केट के टर्मिनोलॉजी में, गोदरेज इसको जो है ट्रायंगल बोलती है। तो ये 2 ड्रॉर ट्रायंगल यूनिट है, जैसे ये 2 बड़े बड़े डब्बे आते हैं। तो ये तीसरा कैबिनेट हो गया। और चौथा कैबिनेट जो बॉटल पुल आउट होता है, जिसमें ये तेल, सॉस की बॉटल, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो ये कैबिनेट्स होता है। इसके बाद सिंक यूनिट आता है, जैसे डबल बॉल सिंक में 3 फीट का ये सिंक है, तो इसमें जो है आपको डिटर्जेंट होल्डर, प्रीमियम डस्टबिन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा सिंक का कॉम्बिनेशन होता है, नीचे से बोर्ड रहती है, उसमें नीचे भी पैनल होते हैं जो कटिंग करके पाइप अंदर चली जाती है। तो तीसरा ये हो गया। और बाकी स्टोरेज के लिए जो है प्लेन सेल्फ होता है, जो कि ऐसे कैबिनेट्स होते हैं, इसमें बीच में सेल्फ होता है जो कि एडजस्टेबल होता है।
बाकी जो सिंक यूनिट होता है, सिंक यूनिट के ऊपर हम GTPT प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको प्लेट्स ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। जैसे इस हिसाब से इसमें जो है ये ट्रे होता है, जिसमें पानी आने के बाद आप जो है सिंक के नीचे को डाल सकते हैं। तो ये अपना GTPT कैबिनेट हो गया। दूसरा नॉर्मल सेल्फ टॉप क्लीन सेल्फ कैबिनेट होते हैं, जिसमें ऐसे सेल्फ हो गए। तीसरा जो है आपको बाइफोल्ड कैबिनेट आएगा, जो कि इस टाइप का होता है। तो ये एक टॉप के कैबिनेट में ये मैकेनिज्म भी आती है, ठीक है। और एक जो है सिंगल गैस लिफ्टअप कैबिनेट होता है, वो इस टाइप के कैबिनेट्स होते हैं। तो ये सिंगल गैस लिफ्टअप हो गया, ये आपको बाइफोल्ड कैबिनेट हो गया, ये प्लेन सेल्फ कैबिनेट हो गया, और ये GTPT कैबिनेट हो गया। तो टॉप के जो कैबिनेट बनते हैं, इस कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे हम प्लान करते हैं, वो साइजेस के हिसाब से। और नीचे का कैबिनेट आपने देख ही लिया, एक फ्रिज ड्रॉअर हो गया, फिर ग्रॉसरी हो गया, फिर फूड ड्रॉअर हो गया, फिर जो है बॉटम पुलआउट हो गया। तो इस हिसाब से हम कैबिनेट अरेंज करते हैं, वो साइजेस के हिसाब से। हमारा जो प्रोसेस होता है, पहले हम साइट विजिट करते हैं, विजिट के बाद आपको प्रॉपर 3D डिजाइन मिलता है, 3D 2D उसके साथ कोटेशन सॉफ्टवेयर से निकल के आता है, जिसमें डिस्काउंटेड प्राइस होता है। फिर भी हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम और क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप शोरूम आते हैं, जब हम एक साथ बैठते हैं टेबल पे, तो उस समय हम डिस्कस करते हैं उस चीज़ों को। थैंक यू।